है गाइज़ वालेकुम कैसे हैं आप उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हो सो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर डे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रात से व्लॉग अभी मेरा मूड हुआ कि मैं बनाऊं बनो पुलाव तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ अपने सब्सक्राइबर्स के साथ अपने फैंस के साथ अपने यूट्यूब फ़ैमिली के साथ भी शेयर करते हैं कि मैं वो प्लाव कैसे बनाती हूँ एक छोटा सा मिनी सा ब्लॉग होगा उसमें जस्ट आपको ब्लॉग की रेसिपी मिलेगी वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग मेरी वीडियो पर नए आने वाले हैं तो काइंडली 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 सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार का जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं अलहद ला इनशा इन शह इन जल्द जो है तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिलेगी इनशाला तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहिएगा और अभी बनाते हैं बनो पुलाव क्विक सा और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर व्लाग पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए आने वाले जो हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और चलें बस स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो अभी से पहले व्लॉग बना लेते हैं और आप लोगों को बताती हूँ कि बनो पुलाव कैसे बनता है मैं कैसे बनाती हूँ और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा थैंक यू सो मच चले स्टार्ट करते हैं फिर सो गाय यहाँ पर मैंने लिया था बीफ एक किलो और इसको मैंने अच्छे से बॉईल करके इसकी अच्छी सी यखनी बना के रख दी थी और इसमें मैंने गरम मसाला जो खड़ा मसाला होता है आई I मीन mean, साबित मसाला वो डाला था और बस ये मैंने यखनी बना के तैयार करके रख ली थी और बहुत मज़े की यखनी भी मैंने थोड़ी सी पी थी तो बहुत मज़ेदार इसकी यखनी बनती है जस्ट मैंने नमक डाला था और कुछ भी नहीं डाला तो यहाँ पर ऑयल रखा ऑयल में मैंने प्याज़ डाला तो प्याज़ मैंने इसमें ब्राउन डाला था क्योंकि जो बन उबला होता है उसमें जो ब्राउन प्याज होता है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और प्याज थोड़ा पकाने के बाद फ्राई करने के बाद जब ज़्यादा थोड़ा ब्राउन क्योंकि ब्राउन कलर बनो पुलाव जो है वो उसका कलर ब्राउन होता है सही डार्क कलर होता है तो उसके बाद फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे टमाटर बिल्कुल आप ग्राइंड कर दें तो ज़्यादा अच्छे हैं मैंने थोड़े वो मिक्सी में डाल के तो उसको क्रश कर दिया था वो मैंने डाले उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें जो हैं वो भी आप इसमें क्रश करके डाल सकते हैं मतलब आप इसमें साबुत नहीं डाल सकते मुझे ऐसे नहीं अच्छी लगती क्योंकि वो पक जाती है तो इतना पता नहीं चलता यहाँ पर मैं जस्ट वो यखनी से बोटियाँ उठा के डाल रही थी क्योंकि आ, ये जो है वो उसमें मसाले थे तो वो मैंने हटाने थे छान के अच्छे से जस्ट यखनी डालनी थी और यहाँ पे मेरा भाई जो है तो वो हेल्प कर रहा था मेरी वो फ्राई कर रहा था और उसने मसाला नीचे लगा भी दिया था मैं बोल भी रही थी बार बार कि इसको अच्छे से नीचे मत नहीं लगने देना बट मैं बाकी काम कर रही थी तो साथ में इस थोड़ा सा मसाला लग भी गया था खैर जो लग जाता है उसको ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है फिर वो ये होता है कि आपका जो चावल है उसमें वो टेस्ट आ जाता है जलने का तो यहाँ पे जो मसाला वाला था जो बीफ जो मैंने डाला उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया और उसके बाद मैंने इसमें यखनी डाली थी यखनी थोड़ी सी मतलब ज़्यादा मैंने बनाई थी बट वो बहुत थिक थी तो मैंने इसलिए फिर थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाल दिया था पानी डालने के बाद फिर मैंने इस पर रख लिया था ढक्कन मैंने कहा जब तक ये अच्छे से बॉयल होता है मैं बाकी काम कर लेती हूँ तब तक मैंने सफयाँ की झाड़ूल और इतने जो ढेरों ढेर बर्तन होते हैं वो धो लिए थे उसके बाद फिर मैंने चावल भिगो के रखे थे तीन गिलास ढाई ग्लास चावल थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए तो बस मैंने इसको एक या दो दफ़ा क्योंकि ये चावल अच्छे जो अच्छे वाला चावल होता है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होता उसको आप इतना एक दफ़ा चम्मच आप कर सकते हो आपको बार बार उसमें चम्मच मारने की ज़रूरत नहीं है तो मैंने चावल यहाँ पर पकने के लिए तैयार कर दिए थे बिल्कुल एज़ इट इज़ बनू पुलाओ की खुशबू आ रही थी ऐसा ही लग रहा था जैसे बनू पुलाव बन रहा है और मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था मुझे ना नहीं था यकीन कि इतना अच्छा बन जाएगा और एज़ इट इज़ ऐसे ही बनेगा इसमें मैंने कोई हरी मिर्चें वो जो रेड मिर्च होती है हल्दी होती है वो मैंने बिल्कुल नहीं डाला जस्ट मैंने इसमें गरम मसाला डाला था सॉरी ये बताना भूल गई कि गरम मसाला डाला था और मैंने इसमें नमक डाला था और यखनी थी और इसमें जो खड़े मसाले मैंने यखनी में डाले थे तो वो मैंने निकाल दिए थे बस और ये हमारा बनू पुलाव जो था तो ये बस तकरीबन दम पर लगने के लिए तैयार हो गया था और मैं आप लोगों को दिखा रही थी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे चावल बन गए थे मुझे फ़र्स्ट टाइम जब आप कोई चीज़ बनाते हो और अच्छी बन जाए ना तो आपको वैसे ही बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि यार हाँ आपने बना लिया तो सबको बहुत पसंद आए इस बहुत मज़े के बने थे इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा ट्राई करूँगी ये फ़ाइनल लुक नहीं थी ये दम पे लग लगाने के लिए रख रही थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को क्लोज से दिखा देती हूँ बहुत खूबसूरत बिल्कुल चावल जो है ना नरम नहीं हुए थे जुड़े नहीं थे आपस में तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो होगा उससे ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे लेकिन ये कि इस दफ़ा भी फर्स्ट टाइम भी बहुत अच्छे बने आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हुआ आप भी ट्राई कीजिएगा इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़